तो दोस्तों तमाम खबरों के बीच में एक खबर निकल कर आई जो यकीनन हिला देने वाली थी। सबसे पहले पता चलता है कि अमेरिका में जो मध्यवर्ती चुनाव हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप जिनकी जीत की उम्मीद हर कोई कर रहा था उनकी हार हुई है और जो बाइडेन को उम्मीद से ज्यादा इसमें जीत मिली है। साथ ही जो बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी में भारतीय लोगों का स्थान भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे नंबर्स में भारतीय चुनकर आए हैं। इन सबको देखते हुए शायद अमेरिका की तरफ से दो बड़े ऐलान किए गए। सबसे पहला ऐलान अगर हम लोग देखें तो चाइना के लिए आया था। दरअसल चाइना के साथ उन्होंने अब रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है और साथ ही भारत के साथ भी जो अमेरिका के रिलेशनशिप थोड़े गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रहे थे उन्हें फिर से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है और एक्चुअली भारत यही चाह भी रहा था। सबसे पहले बात की जाए चाइना की तो चाइना के लिए कहा है कि देखिए हम लोग चाइना से किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, इवन हम लोग चाइना से मुकाबला करना चाहते हैं। यानी चाइना के साथ एक हेल्दी सा कंपटीशन होगा, फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो सकता है या बाकी के डेवलपमेंटल कार्यों पर हो सकता है। किसी भी तरह का कोई युद्ध करने की मंशा अमेरिका की नहीं है चाइना के साथ। तो कहने का मतलब ताइवान को लेकर और नैन्सी पेलोसी को लेकर जो कुछ भी चाइना और अमेरिका के बीच में तनातनी हुई थी उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो बाइडेन की तरफ से कही गई है। इसके बाद नंबर आता है भारत का। तो यार दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब जो बाइडेन ने इलेक्शन लड़ा था और उस समय जब भारतीयों के वोट उन्हें चाहिए थे तो उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज को लेकर ही भारतीयों को काफ़ी लुभावना ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि वीज़ास वगैरह की कोई समस्या नहीं आएगी भारतीयों को, भारतीयों ने भी पेट भरकर वोट दिया इन्हें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो वीज़ा को लेकर ही केवल और केवल भारत के अगेंस्ट थे, बाकी सारे मामलों में वो भारत को अच्छा सहयोग कर रहे थे। अब इन सब के चलते जो बाइडेन ने भारतीयों का अच्छा खासा समर्थन हासिल किया। लेकिन अगर बात आ जाए वीज़ा के ऊपर तो ये कोविड का बहाना बनाकर अमेरिका की तरफ से भारतीयों को बहुत लंबा लटकाया गया। जी हाँ, इतना वेटिंग पीरियड दे दिया गया जिसे कि देखते ही हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की मंशा ही नहीं है भारतीयों को वीज़ा देने की। भाई 200 दिन का वेटिंग पीरियड कौन देता है? अगर आपको किसी अर्जेंट काम से जाना है लेकिन अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपसे कहा कि आपको 200 दिन का या 400 दिन का या 900 दिनों का वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा, इस दौरान हम लोग विचार करेंगे कि आपको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए, तो भला ऐसा जाने का मतलब ही क्या निकल गया? अल्टीमेटली अमेरिका ने ब्रेक लगा दिया था भारतीयों की एंट्री पर। जबकि वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो यार कुछ ही दिनों में उनका वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा था, उन्हें बड़ी आसानी से वीज़ास वगैरह मिल रहे थे। तो ऐसे में जो भारतीय स्टूडेंट जो कि अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ लोग जो जॉब करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें वीज़ा देने में काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब एक अच्छी खबर निकल कर आई है। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से चाइना को मक्खन लगाया गया है ठीक उसी तरह से मक्खन भारत को भी लगाया गया है। और अमेरिकी दूतावास जो कि भारत में है वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अमेरिका के वीज़ा नियमों के अंदर बदलाव करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि ये जो वेटिंग पीरियड है 2023 की गर्मियों तक गिरावट आने की उम्मीद इसमें है। और आगे उन्होंने ये बताया है कि जो संख्या होगी जो भारतीय अमेरिका जा पाएंगे जिन्हें वीज़ा दिया जाएगा उनका आंकड़ा पहुंच जाएगा 12 लाख तक। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बात कह दी अमेरिकी अधिकारी ने, कहा कि अमेरिका द्वारा वीज़ा जारी करने के मामले में भारत की प्राथमिकता सबसे पहले है। जी हाँ, बाकी सारे देशों को नज़रअंदाज ये कर सकते हैं लेकिन भारत उनके लिए प्रथम है। हालांकि ये केवल बोलने के लिए था, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मक्खन लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अगले साल के मध्य तक यानी जून जुलाई ले लीजिए 2023 का, उस समय तक स्थिति बिल्कुल वैसी ही करने की है जैसी कि कोविड-19 के पहले हुआ करती थी। यानी कोविड पैंडेमिक से पहले जितने भारतीयों को जिस आधार पर वीज़ास वगैरह अमेरिका के लिए दिए जाते थे, जितनी आसानी से दिए जाते थे, कम से कम वेटिंग पीरियड के साथ दिए जाते थे, वो सारी परिस्थितियां बहाल कर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब अब केवल 6 महीने 7 महीने समझ लीजिए इतना समय बाकी है, उसके बाद रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत को उन्हीं देशों की लिस्ट में रखा गया है अमेरिका की तरफ से जिनके ऊपर कोरोना काल में प्रतिबंध लगाए गए थे कि भैया आप आ नहीं सकते। और ये जो कंट्रीज थी जिनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें से मैक्सिमम के प्रतिबंध हटा लिए गए थे, लेकिन भारत को अभी भी कटघरे में रखा गया था। तो ये थोड़ा सा सोचने विचारने वाली बात है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में सारी कुछ स्थितियां एकदम नॉर्मल है। तो कहने का मतलब भारत को लेकर जो बाइडेन ने जो आते ही टंडो मचाना शुरू किया था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की ये अब कोशिशें की जा रही है, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी हम लोगों ने देखी, रशिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो या यूरोप के बाकी देश हो, हर जगह ब्लंडर ही किया है। तो इसी वजह से इन्हें मध्यवर्ती चुनाव हारने की भी काफी उम्मीदें थी। ये खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि हम लोग ये मध्यवर्ती चुनाव बड़े बहुमत से जीते हैं। तो कहने का मतलब अब जब इनकी स्थिति अच्छी हो चुकी है अमेरिका के अंदर, तो ये बाकी सारे मामलों को शॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी कर लेना चाहते हैं ताकि अगले इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी के साथ इन्हीं की पार्टी जीते और राष्ट्रपति बनाए।
क्योंकि जो बाइडेन का तो हम लोग देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप था ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।